हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इसमें स्टोन चेन, हाफ कट पर्ल, बोल चेन और टीयर शेप स्टोन का यूज़ किया है, और साथ में इसमें मैंने ग्लिटर सीट का भी यूज़ किया है। इस ड्रेस को बनाना शुरू करने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम टेट्रोन का राउंड पीस लेते हैं। ये टेट्रोन मैंने पेस्टिंग वाली टेट्रोन ली है। ये टेट्रोन का पीस मैं 7 इंच का राउंड में काटती हूँ और सेंटर में मैं इसे 1.5 इंच का राउंड काटती हूँ, जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। इस कपड़े के ऊपर हम इस तरह का ये रानी कलर का सनील का कपड़ा प्रेस से पेस्ट कर लेते हैं। आप किसी भी कलर की बनाना चाहें तो उस कलर का कपड़ा आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कपड़ा मैं इस पर पेस्ट कर लाती हूँ। मैंने ये रानी कलर का कपड़ा प्रेस से पेस्ट कर लिया है। पीछे की तरफ एक सिंपल कपड़ा मैंने पेस्ट कर लिया है और जहाँ पर हमारा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पर मैंने एक रिबन लगा के इसे सिलाई मशीन से सिलाई कर लिए। ये इस तरह का रिबन हम इसमें लगा लेते हैं। हम इसमें टिश्यू रिबन भी लगा सकते हैं गोल्डन कलर का। मैंने इसमें ये रेड कलर का सिंपल रिबन लगाया है, जिसे हम ऑर्गेंजा रिबन भी बोलते हैं। आप कोई सा भी रिबन इसमें लगा सकते हैं। और इसे मैंने साइड से और सेंटर से इसे कट कर लिया है। अब हम एक पेपर के ऊपर इस तरह का राउंड काट लेते हैं। पेपर पर राउंड काटने के बाद हम सबसे पहले इसे हाफ़ करते हैं। हाफ़ करने के बाद इसे हम 2 बार और हाफ हाफ और फोल्ड करते हैं। तो इसका इस तरह हाफ़ फोल्ड कर लेंगे। हाफ़ फोल्ड करने के बाद आधे हिस्से को इस तरह फोल्ड करते हैं और इसको इस तरह फोल्ड करते हैं। तो हमारे 6 पीस में डिवाइड हो जाता है, 6 पीस में डिवाइड हो जाता है। 6 पीस में डिवाइड होने के बाद ऊपर से हम लगभग 1.5 इंच के ऊपर, ऊपर से लगभग 1.5 इंच के ऊपर हम एक पेन से निशान लगा लेते हैं। मैंने इस तरह पेन से निशान लगा लिया है। पेन से निशान लगाने के बाद दोनों तरफ हम पत्ती की शेप में हम डिजाइन बना लेते हैं। इस तरह हम पत्ती की शेप में डिजाइन बना लेती हूँ मैं। और सेंटर का जो हिस्सा होता है उसी से हम एक राउंड बना लेते हैं। इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए सिर्फ हमारा ये इतना सा हिस्सा कट होता है और बाकी का ये इधर वाला राउंड वाला हिस्सा कट होता है। इसी तरह हम ये दूसरा हिस्सा भी कट कर लेते हैं। इस तरह हमने दोनों तरफ से हिस्सा कट कर लिया है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। खोलने पे हमारा कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बन जाता है। ये हमारे 6 कोने बन जाते हैं। अब इसे हम इसी तरह से सेंटर में इस वाले ट्रेस के ऊपर जो हमने कपड़ा इसके ऊपर हम इसे चौक से ट्रेस कर लेते हैं। इस तरह रख के हम इसे चौक से ट्रेस कर लेते हैं। तो जो हमारा खुला हुआ हिस्सा होता है उस हिस्से पे हम राउंड वाला पीस लेते हैं। जो हमारे राउंड का पीस होता है उसका हाफ वाला पीस हम ले लेते हैं। इस तरह मैं इस पर हाफ वाला पीस है जो इस तरह लगा के इसको पूरे को ट्रेस कर लेते हैं। फिर हम इसे कैंची से कट कर लेते हैं। इस तरह से हम पूरे को मैंने इसे चारों तरफ से कट कर लिया है। तो जो हमारा पेपर का ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को हम नीचे तक कट कर लेते हैं। ये राउंड वाले हिस्सा हम निकाल देते हैं। जहाँ जहाँ हमारे कोने हैं वहाँ वहाँ पे हम चौक से इस तरह पूरी को ट्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह हम जहाँ जहाँ हमारा कोना है वहाँ पे हम अपने चौक से इसे ट्रेस कर लेते हैं। इस तरह
जहाँ जहाँ हमने पत्ती की शेप की डिज़ाइन ड्रॉ की वहाँ वहाँ सभी जगह हम एक स्टोन चैन की एक रो लगाते हैं। इस रो को लगाने के लिए मैं फेविकोल का यूज़ करती हूँ। फेविकोल की जगह आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉन्ड ग्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फेविकोल का यूज़ करती हूँ। इस तरह लगाते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने ये स्टोन चैन की रो कंप्लीट कर ली। स्टोन चैन की रो कंप्लीट करने के बाद इसके आगे की तरफ हम इस तरह के हाफ कट पर्ल लगाते हैं। ये सबसे छोटा साइज का पर्ल होता है। इस तरह लगाते हुए हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने मोतियों की लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम वापस एक स्टोन चैन की रो लगाते हैं। इस तरह लगाते हुए ये रो भी हम कंप्लीट, ये हमने सेकंड रो भी स्टोन चैन की लगा ली। अब स्टोन चैन की सेकंड रो लगाने के बाद जो पत्ती की जगह पे हमारे इस तरह की डिज़ाइन बनती है, यहाँ पे हम एक एक मोती और लगाएंगे हाफ कट, लेकिन उस मोती का साइज जो हमने ये बीच में मोती लगाए थे उसे एक नंबर बढ़ा लेते हैं। तो ये साइज लेते हैं, ये सभी जगह में एक एक मोती लगा देती हूँ। जो हमारी जोड़ की जगह है वहाँ पर एक तरफ मोती लगा लेते हैं। एक एक मोती लगाने के बाद मोती के ऊपर हम ब्लू कलर की बॉल चेन लगाते हैं। ब्लू कलर की बॉल चेन के हम दो रो लगाते हैं। इस तरह हम सभी जगह ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये ब्लू वाली बॉल चैन लगाने के बाद बॉल चैन के ऊपर हम टीयर शेप के ये वाइट स्टोन है जो लगाते हैं। ओपन वाले हिस्से पे हमने जो बॉल चैन लगाई है उसको हाफ हाफ कट कर लेते हैं, जिससे हमारा ये ओपन हिस्सा खुला रह जाता है। अब सभी जगह पे मैं यहाँ पे ये स्टोन लगा देती हूँ। सभी जगह स्टोन लगा लेते हैं। स्टोन चैन लगा ये स्टोन लगाने के बाद वापस से इसके ऊपर मैं ब्लू बॉल चैन की एक रोड लगा लेती हूँ, तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी हमने स्टोन भी लगा लिए और ऊपर ये दो दो वापस से बॉल चैन की रो भी कंप्लीट कर ली। अब इस बॉल चैन के ऊपर जो हमने यहाँ पे ये बड़ा वाला मोती लगाया था हाफ कट, ये सभी जगह हम एक एक मोती लगा देते हैं। बिल मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये अब हमने मोती वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें जो मोती लगाए हैं इनके ऊपर ब्लू कलर की बॉल चैन लगाते हैं। तो इस तरह से हम दो मोतियों के बीच में फेविकोल लगाते हैं और एक छोटा सा पीस ब्लू बॉल चैन का इस तरह इसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह सभी पीस के ऊपर हम लगा देते हैं। इस तरह हम सभी जगह ये बॉल चेन लगा लेते हैं।
और बोल चैन लगाने के बाद आगे का जो हमारा हिस्सा खाली रहता है, तो वहाँ पे जो हमने ये वाइट कलर के स्टोन लगाए थे, ये स्टोन हम लगा लेते हैं जो हमारे बोल चैन के आगे जो हिस्सा रहता है यहाँ पे। इस तरह ये ब्लू चेन भी लगा लेते हैं और आगे की तरफ हम ये स्टोन लगा के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब सब जगह हमने ये बोल चैन और आगे की तरफ स्टोन लगा के इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और हम कोई भी पेपर लेते हैं छोटा सा, उसके ऊपर एक पत्ती की शेप पे ड्रॉ करके उसे हम कट कर लेते हैं। ये कट करने के बाद हमारी पत्ती की शेप इस तरह की आती है। इस शेप को हम ग्लिटर शीट पे काट लेते हैं। ये मैंने ब्लू कलर की ग्लिटर शीट ली है, इसके ऊपर मैं ये पत्ती को ड्रॉ करके काट लेती हूँ। इससे हमारी पत्ती की शेप बन जाती है। इस पत्ती दोनों तरफ स्टोन चेन लगा लेते हैं इसके। सेंटर में इसमें हम जो हमने टीयर शेप के स्टोन काम में लिए थे वो स्टोन लगा देते हैं। इस तरह हम सभी पत्तियाँ तैयार कर लेते हैं। तैयार होने के बाद हमारी पत्ती इस तरह से बनती है। हम सभी पत्तियाँ तैयार कर लेते हैं। ये हमने 6 पत्ती तैयार कर ली हैं। अब हमें सभी के बीच में एक एक पत्ती सभी जगह हमने हमारी जो पत्तियाँ बनाई थी हमने ग्लिटर शीट से वो मैंने सभी जगह लगा दिए। इस तरह हमारा ये घेरा बन के तैयार हो जाता है। अब हम चोली बनाते हैं। अब चोली के लिए हमने ये 9x1.5 इंच की एक लंबी पट्टी ले लेते हैं। इसके ऊपर मैंने टैट्रोन से ये रानी कलर का कपड़ा पेस्ट कर लिया है, पीछे सिंपल कपड़ा, और साइड में मैंने ये रिबन से सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। दो पीस बनाने के बाद अब इसमें साइड में हम स्टोन चेन लगा लेते हैं। इस तरह हम इसमें दोनों तरफ स्टोन चेन लगा लेंगे और सेंटर में जैसे हमने घेरे के अंदर ये घेरे में हमने जो ये पत्तियाँ बनाई थी ग्लिटर सीट की, जो हम चोली के ऊपर भी 2-2 पत्तियाँ बना ली, तो ये मैंने पहले से बना ली हैं पत्तियाँ। तो एक पत्ती हम इस तरह लगा देते हैं और दूसरी पत्ती हम इस तरह लगा देते हैं और इधर भी हम स्टोन चेन लगा के अपनी इस पट्टी को कंप्लीट। इस तरह में दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। दोनों पट्टियाँ तैयार होने के बाद अब इन्हें आगे से हम ग्लू गन से जोड़ लेते हैं, इसे चिपका लेते हैं। सॉरी, इसी तरह हम साइड से जोड़ लेते हैं बाजू पे से। अभी हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम घेरे से अटैच कर देते हैं। जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ से हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। इसे हम जोड़ते हैं। अब हमने चोली को अपने घेरे से अटैच कर लिया।
तुम्हारी एड्रेस कंप्लीट हो गई। बनने के बाद कुछ हमारी ड्रेस इस तरह की बन जाती है। अब कोई मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।